employees into three indistinguishable boxes, offices, where each office can contain any number of employees. Any number of employees का मतलब है जिनने मर्जी बात, ठीक है? समझ आ गई बात? If you solve this, तो सुन ले बात, गौर से मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर सवाल में आए कि लिस्ट करो, लिस्ट करने का मतलब क्या है, उसने तुमसे आंसर नहीं पूछा कि उसका काउंट क्या मतलब, वो कह रहा है कि भाईजान मुझे लिस्ट बनाने दो कि क्या कौन सी इसकी लिस्टिंग मतलब। यू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, चारों के चारों एक ही रूम में डाल, तीन एक में और एक अलग, तीन ये वाले अलग हो गए और ये अलग हो गए। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि वो डिस्टिंग्विशेबल, इस तरह सारे के सिस्टम बने। फिर दो अलग और दो अलग, ये सारे में से बने। फिर दो एक एक करके बनेंगे, एंड सो ऑन। ये सारी सारी, अगर सवाल आए लिस्टिंग करने का, तो लिस्टिंग का मतलब है लिस्ट बनाओ। ये नहीं कि जरा फिर एक इतना बड़ा फॉर्मूला लिख के आ गए, ये बस नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये प्रॉब्लम जो है, ये एडवांस काउंटिंग के प्रॉब्लम में ज्यादातर आता है और इसका फिर सॉल्यूशन कुछ ये बनता है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, यूज ए हैवी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये एक्चुअली जो क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन बनती है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है? एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज के तुम्हें ऑयलर का ई का पता? पूरी ब्रांच है, उस वक्त कंप्यूटर बने ही थे, लेकिन कंप्यूटर साइंस की पूरी ब्रांच है जो हम एल्गोरिथम कोर्स पढ़ोगे ना, या डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें ना ग्राफ्स आते हैं। वो ग्राफ, यार बात सुनो, ग्राफ्स एक्चुअली इन्वेंट से ये ग्राफ, बहुत सारी चीजें उसने मैथमेटिक्स में नई इंट्रोड्यूस की थी, उनमें से एक ये, ठीक है? उस वक्त के मैथमेटिशियन ने कहा था ये तुम क्या सीख सकते, यानी कि उस वक्त मैथमेटिक्स को ये समझते कि वो मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ उसे अलजेब्रा टाइप चीज होती है। जब उसने तस्वीरें बनानी शुरू की ना, ग्राफ में बहुत सारी तस्वीरें बनाओ, तो पहले मैथमेटिशियन थे तो उसको माने से काट कर दिया, ये तो मैथमेटिक्स है ही, ठीक है? फिर बाद में दे रियलाइज एक्चुअली कंप्यूटर साइंस की बैकबोन पे वो खड़ी, रियली रिमार्केबल पीपल। आखिरी केस एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज, आज तक किसको नहीं पता, किसी को नहीं पता, और इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन। सवाल क्या है? इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है? ना वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है, ना बॉक्सेस जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है, और आपने उन सबको नो जो है लिस्ट करना है। अब ये करिए, सिक्स हो गया, फाइव और एट हो गया, पांच एक डाल दिएगा, और इस तरह सारी सारी आपने पॉसिबल रहेगी, ठीक है? और इसका आंसर, इसके कितने पॉसिबल इंडेक्सेस के बाद सेवन कर दूं, और ये तो ये सर आंसर किसको भी पता, ठीक है? ये सेवन लोग, अभी जो आंसर पता है वो यही है कि सारे लिस्टिंग बना कर, और कोई सोल्यूशन किसी को, ठीक है? दैट्स द मोस्ट सैड पार्ट, बट दैट्स ऑल, ठीक है? ऑलराइट, क्या बेटा इनके सर जैसे वो सबसेट बनाते हैं कि एक सेट जरिए फिर वो थोड़ा कर दिया, उसका इसी तरह करना पड़ेगा, सारी लिस्ट बनाना, ठीक है सर? अगर उसने हमसे 50 का पूछ लिया, नहीं पूछेगा, थैंक यू जी। सर एक वो आप कह रहे थे कि तो मैं वो करवा दूंगा।